I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो ब्लॉग शुरू हो चुका है, तो सुबह का टाइम है, तो सबसे पहले झाड़ू लगा रही हूँ। बच्चे हमारे स्कूल जा चुके हैं, सबको मैंने स्कूल भेज दिया है। उसके बाद फिर मैं सीढ़ी वगैरह झाड़ू लगा रही हूँ। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए ब्लॉग में देखिए कि मेरे दरवाजे के बाहर कितना सुंदर ब्यूटीफुल सा गुड़हल का फूल खिला है। और सिर्फ गुड़हल का फूल ही नहीं खिलता है मेरे दरवाजे पर, मैंने बहुत सारे फूल पत्ती वाले पेड़ पौधे लगा रखे हैं। ये कनेर का पेड़ है, कनेर के दो पेड़ हैं, तो एक में अभी फूल नहीं आते हैं और दूसरे में फूल आते हैं। तो ये पीला ही कनेर है, तो कनेर की खुशबू बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर मैंने गेंदा के भी प्लांट लगा रखे हैं, तो गेंदा के मेरे पास तीनों वैरायटी हैं, तीन क्या मेरे पास चार वैरायटी हैं। एक जो ब्लैक कलर का होता है और एक बड़ा ऑरेंज कलर का होता है और एक येलो होता है बड़ा गेंदा में, और एक कम पंखुड़ियों वाला होता है। तो यहाँ पर अज्जू नहा करके तैयार हैं और यहाँ लग गई है हमारी मशीन। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने मशीन लगा दी है। उसके बाद आज मुझे ये सारे ब्लैंकेट धोने हैं, क्योंकि ये जो ब्लैंकेट है ये टीचरों का ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट वगैरह कंबल जो हैं, तो मशीन में धुलते जाएंगे। और देखिए कितना गंदा पानी निकल रहा है, क्योंकि जो हमारे स्कूल का स्टाफ मेंबर है उनको टाइम नहीं मिल पाता है तो वो धो नहीं पाते हैं। और अज्जू का जो स्कूल है वो 9 बजे तक है, तो अज्जू थोड़ा लेट से आएंगे। और शुभम स्कूल जा चुके हैं, तो अज्जू लेट से जाएंगे स्कूल। और यहाँ पर मैं कपड़ों को जो मैं मशीन में डाल रही हूँ धो करके, यानी कि कंबल वगैरह धो करके एक किनारे टांग दी हूँ, जिससे कि उनका पानी निकल जाए, क्योंकि कंबल जब हम धोते हैं तो बहुत ही भारी हो जाते हैं। और देखिए कितना ही काला पानी हो रहा है, यानी कि ब्लैंकेट कितने गंदे थे। तो अब ठंड का सीज़न आ गया है, तो अब हमारे स्टाफ मेंबर को ब्लैंकेट वगैरह देना है, क्योंकि ठंड पड़ने लगी है। और यहाँ पर सारा पानी भी हमने भर के रख दिया है, क्योंकि सप्लाई का भी पानी आता है। मेरे यहाँ सप्लाई भी लगी है, मोटर भी लगी है और हैंडपम्प भी लगा है। अब पानी भी भरता जा रहा है और हमारे जो प्लांट हैं उन प्लांटों को मैंने ऊपर प्लांट लगा रखे हैं, तो उनको मैं पानी वाटरिंग करके आऊँगी, क्योंकि अब थोड़ी धूप अभी ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो अगर हम इनको पानी नहीं देते तो ये थोड़ा मिट्टी जल्दी सूख जाती है। और ये मेरे मनी प्लांट छोटा सा कटेंगे और मेरे छोटे छोटे से एलोवेरा के प्लांट हैं। तो चलिए हम प्लांट को पानी दिए देते हैं। और अब फ्रेंड्स, अब सर्दी का मौसम आने लगा है, तो सर्दियों में पत्ते बहुत सारे पीले होके गिरते जाते हैं, कईयों
जो गर्मी वाले प्लांट हैं उनका तो सीजन जाने वाला है, और नीचे मुझे चूल्हा पोतना है, जो मैंने चूल्हा बना रखा है, तो उसमें मैं मिट्टी वगैरह भिगो करके रख दे रही हूँ, ताकि मिट्टी भीग जाएगी तो मैं अच्छे से चूल्हा पोत सकूँगी। तो सर्दियों के जो प्लांट, जो हमारे गर्मियों के प्लांट हैं, वो उनकी पत्ती पीली होकर गिर रही है। अब उनका सीजन चला गया, जैसे कि पोर्टुलका है, पर्सलेन है, यानी कि जिनको नौ बजिया कहते हैं, देखिए कैसे ये हो गए हैं, क्योंकि इनका सीजन अब चला गया है। और जो जैसे हमारे सदाबहार के पेड़ पौधे हैं, तो उनकी भी पत्तियाँ पीली पड़ने लगी हैं। तो ये सब प्लांट मैंने ही लगाए हैं, मैं ही लगाती हूँ, ये सब फालतू के काम मैं ही करती हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं पिंक कलर का, इसे कॉक स्कॉम कहते हैं, और इसमें दो प्लांट लगे हैं। एक तो जो 4 बजे संझा फूल बोलते हैं उसको, और ये जो आप देख रहे हैं ये स्नेक प्लांट है। मेरे पास स्नेक प्लांट की 4 वैरायटी हैं, तो सभी प्लांटों में मैं पानी दिए दे रही हूँ। फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। कंबल वगैरह मैंने सारे धो कर के फैला दिए, और देखिए हमारे कपड़े भी कितने सारे धुले हैं, तो ये सूख जाएंगे शाम तक अच्छी तरीके से। और जो ये प्लांट है, ये इसको कुछ दिन तक पानी नहीं दिया गया तो ये प्लांट की पत्तियाँ झड़ने लगी। और ये जो पीपल के पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, ये अपने आप ही निकले आए थे, तो मैंने एक प्लांट उसी कैरी बैग में लगा दी हूँ, ताकि मैं शनिवार को यहाँ पर दिया रख सकूँ। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ हमारी छत का नज़ारा। तो अब देखिए यहाँ पर सिलेंडर वाले भैया आ गए हैं सिलेंडर भरने के लिए, क्योंकि हमारा सिलेंडर एक ख़त्म हो गया है, तो मैं एक्स्ट्रा में भरा करके रखती हूँ। हमारा सिलेंडर इंडेन कंपनी का है, तो एक्स्ट्रा में भरा के रख लेती हूँ कि पता नहीं कब गैस ख़त्म हो जाए, कब प्रॉब्लम हो जाए। तो ये होम डिलीवरी करते हैं, तो इसीलिए सिलेंडर भर जाता है और वो सिलेंडर ले जाते हैं। यहाँ पर अरहर की दाल, जो जिसे तुअर की दाल बोलते हैं, उसको मैंने ऊपर, धूप तेज थी तो थोड़ा धूप दिखा दिया, क्योंकि अगर हम दालों को धूप नहीं दिखाएंगे तो इनमें कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, तो वो दाल खराब हो जाती है। तो थोड़ी देर, आज धूप बहुत तेज है, तो मैं अरहर की दाल को फैला दी हूँ, फिर शाम को अच्छे से साफ करके भर करके रख लूँगी। और आप जो ये साइड में प्लास्टिक की बाल्टी देख रहे हैं, तो ये प्लास्टिक की बाल्टी मात्र 100 रुपये की मिलती हैं, और इनमें आप मानिए रियलिटी में ये बहुत मजबूत होती हैं, और इनमें कम से कम आप 25 kg का सामान, 25 किलो का सामान आप रख सकते हैं, जैसे आटा दाल चावल है तो सब रख सकते हैं। तो शाम को चूल्हे में खाना बना था, तो मैं सुबह गर्मा गर्म चूल्हा नहीं साफ करते, तो मैंने ये राख ठंडी होने के बाद ये चूल्हे को अच्छे से साफ करके पोते ले रही हूँ। मिट्टी जो मैंने फुलाई थी, मिट्टी भिगोई थी, तो मैंने ये चूल्हा पोतने के लिए ही मिट्टी भिगोई थी। और जो मिट्टी मैंने इकट्ठी करके रख रखी है, वो मिट्टी इतनी अच्छी है, बिल्कुल सफ़ेद मिट्टी है, तो जब हम पोतते हैं तो बिल्कुल सफ़ेद ही निकलती है। तो सारा काम वगैरह हो गया है, और खाना बनाने में थोड़ा तो लेट हो गया था दोपहर का खाना बनाने में, तो बच्चों के आने का टाइम है, तो मैंने यहाँ पर दलिया भून करके, अज्जू बोला कि दलिया भून करके दलिया वाला खीर बना दो, तो मैं यहाँ पर, मतलब शाम का टाइम है थोड़ी, तो 4 बज रहे हैं शाम के, तो दलिया वाली खीर बना दूंगी।
तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।